भाग एक अध्याय तीन सृष्टि दर्शन। मानव ने सृष्टि दर्शन करने की कामना व प्रयास किया है। यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित व व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। तो इस पहले सूत्र में बाबा जी ये बता रहे हैं कि सृष्टि दर्शन की कामना और प्रयास जो है मानव जाति पहले से करती रही है और जीव जगत ईश्वर और स्वयं को समझने का प्रयास परंपरा में देखने को मिलता है। यदि हम इसको दर्शन की दृष्टि से देखें तो विगत में दो ही दृष्टियां देखने को मिलती हैं, एक आदर्शवादी दृष्टि है और दूसरी भौतिकवादी दृष्टि है। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववादी दृष्टि श्रद्धेय ए नागराज जी के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं धरती तथा धन जीवावस्था का प्रकाशन सृष्टि है, तो पदार्थावस्था के रूप में जो भी पदार्थ पिंड हैं और उसके रूप में जो भी रचनाएं हैं और यह धरती समृद्ध धरती है और इस धरती पे प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था के रूप में सृष्टि का प्रकाशन है। सृजन विसर्जन पोषण और शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन है। अभी ठीक आ रही है? पूछो आवाज। मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ। अध्याय तीन सृष्टि दर्शन। मानव ने सृष्टि दर्शन की कामना व प्रयास किया है। यथा जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। इस सूत्र में बाबा जी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि विगत में आदर्शवादी और भौतिकवादी दृष्टि से जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर इस अध्याय में सह अस्तित्ववादी दृष्टि से जीव जगत ईश्वर और स्वयं को प्रतिपादित और व्याख्यायित करने के लिए व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। दर्शन का मतलब होता है दृश्य को देखने की जो क्रिया है उसको दर्शन कह रहे हैं। तो जब हम दर्शन की परिभाषा को समझते हैं तो इसमें तीनों का होना जरूरी है, दर्शक का होना, दृष्टि का होना और दृश्य का होना। और यदि हम जब दृश्य की बात करते हैं तो दृश्य के रूप में संपूर्ण सृष्टि ही है, या मध्य दर्शन की भाषा में कहेंगे तो संपूर्ण सह अस्तित्व ही दृश्य है। तो सह अस्तित्व में जो दृष्टि है उसको यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें पदार्थावस्था का संगठन एवं रचना और समृद्ध धरती तथा धरती पर प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था का प्रकाशन सृष्टि के रूप में है। यहाँ पर सृजन विसर्जन पोषण और शोषण के भेद से सृष्टि दर्शन है। तो सृजन का मतलब है इकाई प्लस इकाई। तो सृष्टि में जो भी सृजन है जिसको हम लोग प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था के रूप में देखते हैं, यह सारा सृजन इकाई और इकाई के योगफल में ही है। विसर्जन का मतलब है जब प्राणावस्था जो है विसर्जित होती है या रचनाएं विरचित होती हैं या संगठन विघटन होता है या ज्ञानावस्था में मानव जन्म और मृत्यु होती है, उस रूप में विसर्जन की क्रिया है। पोषण का मतलब है पोषण इकाई प्लस अनुकूल इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। इकाइयों को प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञान इकाइयों के रूप में देखते हैं तो जब इसमें कोई अनुकूल इकाइयों का योगफल रहता है उस स्थिति में इकाइयों का पोषण होता है।
और यदि इकाइयों के साथ प्रतिकूल इकाइयां होती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ज्ञान अवस्था के मानव के लिए यदि प्रतिकूल इकाइयां उनके साथ रहती हैं, उस स्थिति में शोषण होने की संभावना है या शोषण होता है। पदार्थ की परिभाषा है, पद भेद से अर्थ भेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु की पदार्थ संज्ञा है। वस्तु का अर्थ वास्तविकता से है, तो पद भेद की जब बात करते हैं तो मध्यस्थ दर्शन बताता है कि प्राण पद, भ्रांत पद, देव पद और दिव्य पद के रूप में चार पद हैं, और इन चार पदों की जो अपनी मौलिकता है और जो उनका आचरण है उसको स्पष्ट करने वाली वस्तु वास्तविकता ही है। तो यहाँ वास्तविकता का अर्थ है कि जब वस्तु, अगला सूत्र है निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थ के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। निरपेक्ष ऊर्जा जो व्यापक रूप में सहज सत्ता अस्तित्व है, जिसके उत्पत्ति का कारण सिद्ध ना हो, उसको निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यापक वस्तु है, तो व्यापक वस्तु के बारे में ये कहा गया है कि वो निरपेक्ष ऊर्जा है और उसकी उत्पत्ति का कारण सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उत्पत्ति, क्योंकि विगत में ऐसा माना गया है कि निरपेक्ष ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण जो है वो ब्रह्म है, इसीलिए यहां पर ये लिखा कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थों के सह अस्तित्व में ही सृष्टिकार है। तो निरपेक्ष ऊर्जा और पदार्थों के सह अस्तित्व में सृष्टिकार कहने का अर्थ इतना ही है, क्योंकि सृष्टि कार्य में पदार्थों का होना अनिवार्य है। यदि पदार्थ नहीं है तो केवल निरपेक्ष ऊर्जा से पदार्थ की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती है। विगत में ऐसा माना गया है कि ब्रह्म से या निरपेक्ष ऊर्जा से जगत की उत्पत्ति हुई है। तो सह अस्तित्ववाद इस बात को प्रतिपादित कर रहा है कि निरपेक्ष ऊर्जा व पदार्थ, और इसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, तो ये भी हम इसको कह सकते हैं कि निरपेक्ष ऊर्जा और प्रकृति के सह अस्तित्व में ही सृष्टि कार्य है। फिर अगला सूत्र ये कह रहा है कि निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र व्याप्त है, और शून्य का है, आ रहा है साहब। निरपेक्ष ऊर्जा शून्य की स्थिति में सर्वत्र प्राप्त है, तो शून्य का अर्थ जो स्वयं में क्रिया नहीं है, तो व्यापक वस्तु ही शून्य है, क्योंकि व्यापक वस्तु स्वयं में क्रिया नहीं है। जो स्वयं में क्रिया नहीं है पर सभी क्रियाएं उसमें समाहित हैं, आवेष्टिष्ट हैं एवं आश्लिष्ट हैं, इसकी शून्य संज्ञा है। तो यदि हम सह अस्तित्व में प्रकृति का या पदार्थ का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्रियाशीलता के रूप में उसकी पहचान होती है, लेकिन व्यापक वस्तु में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसकी शून्य के रूप में संज्ञा है, और ये व्यापक वस्तु सभी जगह व्याप्त है, यानी इसकी कोई सीमा का अनुमान मानव को नहीं लगता है। सापेक्ष एवं निरपेक्ष भेद से ऊर्जा है, इसे सापेक्ष ऊर्जा व निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचानना और समझना होता है। कार्य ऊर्जा सापेक्ष है तथा व्यापक रूप में निरपेक्ष ऊर्जा नित्य वर्तमान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऊर्जा भी दो भेद में है, एक है निरपेक्ष ऊर्जा और दूसरी है कार्य ऊर्जा के रूप में सापेक्ष ऊर्जा। सापेक्ष ऊर्जा को परिभाषित किया है इकाइयों की परस्परता के बिना जिस शक्ति का प्रकटन ना हो वह सापेक्ष ऊर्जा है,
इसका आशय है कि इकाइयों की परस्परता में ही सापेक्ष ऊर्जा का प्रकटन है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं की परस्परता में अथवा परस्परता वश प्रकट होने वाली शक्तियां जैसे दबाव, तरंग, प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है। ताप, ध्वनि, विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। तो यहाँ सापेक्ष ऊर्जा के बारे में बताया कि तरंग व प्रभाव को सापेक्ष ऊर्जा के रूप में पहचाना जाता है और साथ ही ताप, ध्वनि और विद्युत भी सापेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष पदार्थ के बिना निरपेक्ष, यहाँ पुनः एक बार सह अस्तित्व है, यानी निरपेक्ष ऊर्जा की जो पहचान है वो पदार्थ या प्रकृति में ही होती है। दूसरी बात ये कही गई है कि निरपेक्ष ऊर्जा के बिना पदार्थ में मूल चेष्टा नहीं है। तो पदार्थ में मूल चेष्टा का जो कारण है वो निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में सिद्ध होता है। निरपेक्ष ऊर्जा में प्रकृति नित्य वर्तमान है। तो प्रकृति के अंदर जो उस प्रकृति की जो नित्यता है और उसमें जो वर्तमानता है, वर्तमानता का मतलब है उद्भव विभव प्रलय के साथ प्रकृति का बना रहना, है ना, इसी को शाश्वतता भी कहते हैं। लेकिन जब हम इसको निरपेक्ष ऊर्जा और प्रकृति के सह अस्तित्व में देखते हैं तब इसको नित्य वर्तमान कहते हैं। मूल चेष्टा, मूल चेष्टा श्रम गति परिणाम की सम्मिलित क्रिया ही मूल चेष्टा है। और इसकी व्याख्या में लिखा है, संपूर्ण पदार्थ अपनी परमाणविक स्थिति में सचेष्ट है, यानी परमाणविक स्थिति में परमाणु में जो सचेष्टता है उसके रूप में मूल चेष्टा को पहचाना गया है, इसलिए स्पष्ट होता है कि उन्हें ऊर्जा प्राप्त है। जिस शक्ति या ऊर्जा से समस्त पदार्थ अपने परमाणविक स्थिति में सचेष्ट हैं वही निरपेक्ष ऊर्जा है। यहाँ निरपेक्ष ऊर्जा को एक बार फिर से परिभाषित किया है या समझाने का प्रयास किया है कि समस्त पदार्थ अपनी परमाणविक स्थिति में सचेष्ट हैं, यानी ऊर्जा संपन्न है, यानी उसमें श्रम गति परिणाम की निरंतरता बनी हुई है ना, और उसका जो कारण है वो निरपेक्ष ऊर्जा है। उक्त रीति से पदार्थ एवं निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व तो सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। यानी ऊपर जो व्याख्या दी है उस व्याख्या के आधार पर पदार्थ और निरपेक्ष ऊर्जा का सह अस्तित्व सदा सदा अविभाज्य रूप में होना सिद्ध होता है। मानो सुदूर विगत से वर्तमान तक परमाणुओं में पाए जाने वाली क्रियाशीलता के लिए मूल ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में अज्ञात है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि विगत इतिहास में, सुदूर विगत से यानी बहुत हजारों साल से, परमाणुओं में पाई जाने वाली क्रिया के लिए जो मूल ऊर्जा का स्रोत के संदर्भ में अज्ञात है। तो आदर्शवाद में भी जो पार्टिकल्स हैं इस अक्षय ऊर्जा संपन्नता का जो कारण है वो अज्ञात है। वैज्ञानिक लोग भी जैसे हेजिनवर्ग भी ये कहते रहे हैं कि परमाणुओं के पार्टिकल्स की ऊर्जा का स्रोत विज्ञान के लिए मिस्ट्री है। अतः यह सहअस्तित्व विधि से स्पष्ट हुआ, सहअस्तित्व विधि से क्या स्पष्ट हुआ कि सभी परमाणु व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे हुए हैं, यानी संपृक्त हैं। इसीलिए संपूर्ण पदार्थ को, परमाणुओं को और प्रकृति को निरपेक्ष ऊर्जा प्राप्त है। सत्ता रूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकारा गया है क्योंकि इसे हम परमाणु की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र सत्तारूपी ऊर्जा के अस्तित्व को निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि इसे हम परमाणुओं की मूल क्रिया के
परमाणुओं की क्रिया के मूल में पाते हैं। यह निरपेक्ष ऊर्जा सर्वत्र एक सी रहने के कारण इसे साम्य ऊर्जा कहते हैं, यह साम्य ऊर्जा संज्ञा है, क्योंकि निरपेक्ष ऊर्जा कहीं कम ज्यादा नहीं होती है, ये समान रूप में होती है, इसलिए भी इसको साम्य ऊर्जा कहते हैं। सत्ता से रिक्त व मुक्त क्रिया सिद्ध नहीं होती है, तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सत्ता में ही हैं और सत्ता उसमें पारगामी है, इसलिए उससे रिक्त और मुक्त नहीं है। सत्ता ही व्यापक है, शून्य ही निरपेक्ष ऊर्जा है, शून्य ही सत्ता है। तो शून्य और सत्ता एक ही वस्तु के नाम है, या एक ही वस्तु को शून्य और व्यापक और सत्ता और साम्य ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया है। निरपेक्ष ऊर्जा एवं पदार्थ में अंतर है, कितना अंतर है, तो निरपेक्ष ऊर्जा हर काल स्थान व वस्तु में व्याप्त है। निरपेक्ष ऊर्जा ना हो ऐसा कोई भी स्थान व वस्तु प्राप्त या सिद्ध नहीं है, परंतु पदार्थ ना हो ऐसा स्थान है और ऐसा काल सिद्ध नहीं है। तो पदार्थ ना हो ऐसे तो बहुत स्थान है, यदि हम अस्तित्व में देखते हैं तो हमको ऐसे स्थान की कल्पना हमारे अंदर में बनती है जहां पर प्रकृति नहीं है लेकिन व्यापक वस्तु है, परंतु और ये भी देखने को मिलता है कि पदार्थ का प्रत्येक अंश ऊर्जामय है। यहाँ स्थान को दो तरीके से परिभाषित किया गया है, व्यापक वस्तु अथवा शून्य, क्योंकि एक एक वस्तु सत्ता में समाई है, इसलिए सत्ता ही प्रकृति के लिए स्थान है। दूसरी एक परिभाषा और दी गई है स्थान की, पदार्थ का विस्तार बराबर स्थान, तो पदार्थ का जितना विस्तार है वह भी स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। पदार्थ के संगठन तथा अवस्था भेद से ही पदार्थ की मात्रा एवं रूप की अवधियां हैं। पदार्थ के संगठन और अवस्था भेद, तो पदार्थ जो है संगठित होता है, जैसे परमाणु से अणु, अणु से रसायन, है ना, रसायन से प्राण कोशा, और दूसरा ऐसा संगठित होते हुए पदार्थ चार अवस्थाओं में है जिसको अवस्था भेद कह रहे हैं। तो पदार्थ की मात्रा, जैसे परमाणु के अंदर उसकी जो मात्रा है उसकी अंशों की संख्या के आधार पर है, एवं रूप, जैसे पदार्थावस्था एक रूप है, प्राणावस्था एक रूप है, की अवधियां हैं। समस्त पदार्थ ठोस, तरल, विरल के रूप में उपलब्ध है। इन अवस्थाओं में पदार्थ तात्विक, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में प्राप्त है। कनेक्ट हुआ है? आ गया। तो मिश्रण का अर्थ है विजातीय परमाणु अथवा अणु समूह का ऐसा गठन जिसमें सभी अपने अपने आचरण को बनाए रखते हैं, जबकि योगी में क्या, वस्तुएं निश्चित बात अपने अपने आचरण को त्याग कर एक नए आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उसको योगिक कह रहे हैं। तो योगिक में रासायनिक परिणाम होते हैं जबकि मिश्रण में केवल भौतिक परिणाम होते हैं। परमाणुओं के मध्यांश एवं आश्रित कणों की संख्या भेद से परमाणुओं की जाति एवं अवस्था और मात्रा का निर्णय होता है। जैसा पहले भी कहा गया कि परमाणुओं जिससे परमाणु की जातियां हैं, हम जितने भी प्रजाति या जाति के परमाणुओं को पहचानते हैं तो उसमें जो मध्यांश और आश्रित अंश की संख्या के आधार पर उन प्रजातियों का निर्धारण होता है या उनकी अवस्था का निर्धारण होता है, और मात्रा का निर्णय भी इसके आधार पर ही होता है। मात्रा को बाबा जी ने रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर भी परिभाषित किया है। वायु विरल पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग रूप में गतिशीलता वायु है, जिसके योग से द्रव्य एवं ताप का प्रसव है। योग
तो योग मिलन को योग संज्ञा है। योग के दो भेद हैं, ऐक्य और सहवास। ऐक्य का मतलब है सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है, जब एक ही प्रजाति के परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको सजातीय मिलन बोल रहे हैं, वो ऐक्य है। और सहवास का है जिस योग के अनंतर विलगीकरण हो, उसकी सहवास संज्ञा है। सहवास के अनंतर उन्नति की ओर प्राप्त संवेगों की प्रेरणा संज्ञा है। यदि सहवास है और उसमें प्रेरणा के रूप में संवेग प्राप्त हैं, तब उन्नति है, अन्यथा अवनति है या हिरास है। इसके विपरीत यदि प्रेरणा प्राप्त नहीं है यानी संवेग नहीं है, उस स्थिति को प्रतिक्रांति या हिरास संज्ञा है। धारणा के प्रतिकूल चेष्टा को अथवा समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था की भी प्रतिक्रांति संज्ञा है। धारणा का मतलब है हर इकाई की जो धारणा है, जिसको हम लोग धर्म के रूप में पहचानते हैं, जो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा सहित सुख है चारों अवस्थाओं में, तो धारणा के प्रतिकूल चेष्टा यानी धर्म के प्रतिकूल यदि कोई चेष्टा है या समस्या है, या समस्या की ओर प्राप्त व्यवस्था ही प्रतिक्रांति के रूप में परिभाषित है। उन्नति का मतलब है गुरु मूल्य की ओर अथवा समाधान की ओर प्रगति ही उन्नति है। संवेग का अर्थ है संयोग से प्राप्त वेग ही संवेग है। धारणा जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो वह उसकी धारणा है, जो चारों पदों में अपने अपने स्थिति के अनुसार स्पष्ट है। तो धारणा चारों पदों में अर्थात पदार्थावस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में धारणा को धर्म के रूप में पहचान। समस्या किसी भी घटना या क्रिया की समझ न होना समस्या है, अथवा कैसे और क्यों की समझ में न आना ही समस्या है। समाधान किसी भी घटना और अथवा क्रिया के नियम की समझ होना ही समाधान है, अथवा कैसे और क्यों की पूर्ति ही समाधान है ना। अस्तित्व क्यों है, कैसे है, इसकी पूर्ति ही समाधान है। प्रकृति क्यों है, कैसे है, इसकी पूर्ति ही समाधान है। मैं क्यों हूं, कैसे हूं, इसकी पूर्ति ही समाधान है। गुरु मूल्यन दीर्घकालीन परिणाम व अपरिणामिता गुरु मूल्यन है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है। सहवास को ऐसा बताया है कि योग दो प्रकार के हैं ना, ऐक्य और सहवास। तो ऐक्य की संज्ञा है सजातीय मिलन की ऐक्य संज्ञा है, और सहवास का मतलब है साथ साथ रहने से है, साथ साथ होने से। तो जिस योग के अनंतर विलगीकरण संभव है ना, लेकिन उनका रहना होना साथ साथ हो, उसको सहवास है। जैसे परिवार एक सहवास की स्थिति है, परिवार परिवार के रूप में परिवार समूह भी एक सहवास की स्थिति है, और परिवार परिवार के रूप में समाज भी एक सहवास की स्थिति है। सहवास में ही प्रेरणा का प्रसव है, प्रेरणा का प्रसव होता है जो न्याय के रूप में होता है, का ही अनुभव होता है। इसके विपरीत व्यवस्था को प्रतिक्रांति संज्ञा है। यदि हम सहवास पूर्वक नहीं रह पाते हैं, उसके विपरीत को व्यवस्था प्रतिक्रांति के रूप में समीक्षित किया गया है। प्रेरणावादी सहवास से उभय स्वीकृतियां और प्रतिक्रांतिवादी सहवास से उभय विकृतियां हैं। यदि न्याय के रूप में संबंध है तो उसमें उभय स्वीकृतियां हैं। यदि संबंधों की स्वीकृति परिवार में बनी रहती है और उसमें मूल्य निर्वाह न्याय के रूप में होता है, उसमें उभय स्वीकृतियां होती हैं। और यदि इसके विपरीत यदि न्याय ना हो, अन्याय हो है ना, या जीव चेतना हो और उसमें हमको साथ साथ रहना पड़े, उसमें प्रतिक्रांति है और उसमें उभय विकृतियां हैं। उभय स्वीकृतियों को परिभाषित किया है गुरु मूल्यन अथवा दीर्घ परिणाम या अपरिणामिता के रूप में उभय स्वीकृतियां हैं।
उभय विकृतियों का मतलब है अवमूल्यन की ओर द्रुत परिणाम या हरास या समस्या की ओर द्रुत परिणाम। उभय विकृतियों को प्रीहित लाभ की दृष्टि में देखा जा सकता है ना। उभय विकृतियों को जो पांच संग्रह आदि जो प्रवृत्तियां हैं उसमें उभय विकृतियों को स्पष्ट किया गया है। आगे के अध्याय में इसमें काफी विस्तार से बात की गई है। सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है। यदि सृष्टि में जो रचना है यदि उसके मूल कारण को पहचानते हैं तो वो सहवास है। सहवास अस्तित्व में अभिव्यक्त है। क्यों अभिव्यक्त है? क्योंकि अस्तित्व नित्य वर्तमान व नित्य प्रभावी है। तो क्योंकि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान एवं नित्य प्रभावी है इसी कारण सृष्टि रचना जो है वो सहवास पूर्वक है। संसार में अथवा अनंत संसार में ऐसी कोई इकाई नहीं है जो उत्थान या पतन की ओर गतित ना हो, क्योंकि गति रहित कोई इकाई नहीं है। अतः अनंत के लिए मात्र दो ही गति हैं जिनको हिरास और विकास या उत्थान और पतन के रूप में पहचाना जाता है। ठोस पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग, ठोस पदार्थ राशि के नृत्य या तरंग मिश्रण एवं यौगिक विधियों से समस्त रस और उपरस को पैदा करते हैं और इन्हीं रस और उपरस से क्रमशः प्राण कोशाएं जो हैं उनका प्रकटन होता है। पदार्थावस्था की राशि का वर्गीकरण चार जाति में है, मृद, पाषाण, मणि और धातु। मृद अथवा मट्टी उर्वरा और अनुर्वरा के भेद से है। उर्वरा का मतलब है ऐसी मिट्टी जो बीज को पाकर अनेक बीज को तैयार करने की क्षमता से संपन्न होती है, उसको उर्वरा कहते हैं। इसके विपरीत जो मट्टी है जिसमें बीज अनेक बीजों में नहीं बदलते हैं, है ना, इसके विपरीत गुण स्वभाव वाली मट्टी को अनुर्वरा कहते हैं, है ना। पाषाण का वर्गीकरण कठोर एवं अकठोर भेद से है। कठोर का मतलब है अधिक भार सहने वाले पाषाण की कठोर संज्ञा है। अकठोर का मतलब है कम भार सहने वाले की अकठोर संज्ञा है। इसके बाद मणि को परिभाषित किया है कि मणि दो प्रकार की हैं, एक है किरण श्रावी और दूसरी है किरण ग्राही। किरण का परिभाषा किया है तप्त बिंब का प्रतिबिंबन, अपारदर्शक वस्तु पर होने का पर होना ही किरण है। तप्त बिंब का प्रतिबिंबन अपारदर्शक वस्तु पर होना ही किरण है। और इकाइयों से बहिर्निहित अग्नि को ताप संज्ञा है। यदि इकाइयों से जो बाहर निहित किरण श्रावी और ग्रहण करने वाली को किरण ग्राही, तो यदि किरण को प्रसारित करती है यानी अपने से बाहर निकालती है और अपने में समा लेती है, ये दो स्थितियां हैं, तो उसके भेद के आधार पर मणियों को किरण श्रावी और किरण ग्राही संज्ञा कहा गया। फिर अपारदर्शक एवं अपारदर्शक भेद से विकिरण और किरण क्रिया में रत है। तो यहां पर फिर किरण और विकिरण के रूप में भेद किया गया है जो पारदर्शक व अपारदर्शक के रूप में है। विकिरण किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। विकिरण का परिभाषा एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। किसी इकाई में अंतर्निहित अग्नि के प्रभाव से प्राप्त प्रसारण को विकिरण संज्ञा है। रश्मि तप्त बिंब या प्रकाश के प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब क्रिया की रश्मि संज्ञा है। तो जो तप्त बिंब है, तप्त बिंब का जो परिवर्तन प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंब है जिसको अनुबिंब कह रहे हैं, अनुबिंब का पुनः
प्रतिबिंब में, जिसको प्रत्यानुबिंब क्रिया के रूप में, तो इस रूप में जो प्रतिबिंबन की क्रिया का बना रहना ही रश्मि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रकाश इकाई के प्रतिबिंबन की प्रकाश संज्ञा है। विकिरण एवं किरण भेद से शोषण एवं पोषण में रत है। तो विकिरण और किरण माध्यम भेद से शोषण या पोषण में रत है। प्राकृतिक विधि से पोषण स्पष्ट हुआ है। यदि विकिरण का भी प्राकृतिक विधि से पोषण सिद्ध हुआ है, लेकिन विकिरण का जो मानव के द्वारा प्रयोग किया गया है उसमें शोषण सिद्ध हुआ है। भ्रमित मानव के द्वारा विकिरणीय पदार्थ से शोषण सिद्ध हो चुका है। इसी कारण ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग है उसमें एक बड़ा कारण जो है विकिरण, जो परमाणु के परीक्षण है, परमाणुओं के परीक्षण के कारण, जो भूमिगत परीक्षण है उसके कारण जो है बाहर ऊष्मा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलती है। पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है, जिसके सभी ओर आकाश है। तो जैसे हम पृथ्वी से ऊपर आकाश में देखते हैं तो जितने भी ग्रह गोल हमको पहचानने में आते हैं पदार्थ राशि के संगठित पिंड के रूप में, और उनके चारों ओर जो है वो आकाश दिखता है। तो पदार्थ राशि के संगठित पिंड की ग्रह गोल संज्ञा है और उसके सभी ओर आकाश है। प्रत्येक ग्रह आकाश में शून्याकर्षण की स्थिति में है। ऐसी हर इकाई अर्थात ग्रह गोल आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति है। तो यदि हम आकाश में देखते हैं तो जितने भी ग्रह गोल हैं वो सब शून्याकर्षण की स्थिति में है। फिर ऐसा भी लिखा है कि ऐसी हर इकाई में अर्थात ग्रह गोल में आकाश में अपनी गति के अनुसार स्थिति में, यानी अपने होने को बनाए रखना है ना, उसके अर्थ में यहाँ पर स्थिति शब्द का प्रयोग किया गया। इकाइयां धनाकर्षण की स्थिति में किसी की ओर आकर्षित तथा ऋणाकर्षण की स्थिति में किसी को आकर्षित करती हैं, तथा शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्र हैं। तो इकाइयों में जो धनाकर्षण और ऋणाकर्षण है उसको और शून्याकर्षण की स्थिति में स्वतंत्रता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। भार के बारे में बताया है कि भार आकर्षण से है, आकर्षण परस्परता से है, और परस्परता लघुता एवं गुरुता से है, लघुत्व एवं गुरुत्व रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाओं से है। रचना एवं सापेक्ष ऊर्जाएं क्रिया से है, और क्रिया पदार्थ से तथा पदार्थ का ह्रास और विकास सापेक्ष ऊर्जा के सदुपयोग और दुरुपयोग से सापेक्षित है। इसमें पूछा है अंतर्निहित और बहिर्निहित जो अग्नि है उसको, और पृथ्वी का अनुबिंब जो है वो चंद्रमा में पड़ता है। तो इस तरह क्रमशः हर इकाइयां क्रमशः प्रतिबिंबित रहती हैं, और जो प्रतिबिंब होता है उसका भी पुनः प्रतिबिंब बनता है जिसको अनुबिंब कह रहे हैं। फिर इस अनुबिंब का पुनः प्रतिबिंब बनता है जिसको प्रत्यानुबिंब क्रिया कह रहे हैं, है ना, इस रूप में। समस्त पदार्थ निरपेक्ष में संप्रक्त व समाहित है, तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति तथा गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संप्रक्त व समाहित है। प्रत्येक ग्रह शून्याकर्षण में कैसे है ये समझा दीजिए। इसका मतलब है कि आकर्षण है ही, रिजल्टेंट जीरो है। प्रत्येक ग्रह शून्याकर्षण में कैसे है, मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख के देना पड़ेंगे, है ना, बाद में बोला क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर है ना अभी
यहाँ पर तत्काल दिए जाना संभव नहीं है। तो जो भी प्रश्न है वो सब आ जाएंगे, फिर उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमशः दे दिए जाएंगे, है ना। तो समस्त पदार्थ निरपेक्ष ऊर्जा में संपृक्त व समाहित है। तो संपृक्तता का मतलब डूबे भीगे घिरे हुए रहने के रूप में, और समाहित होने का मतलब है संपूर्ण प्रकृति व्यापक वस्तु में होने से, तथा संपूर्ण सृष्टि की स्थिति और गति निरपेक्ष ऊर्जा में है। तो संपूर्ण सृष्टि जो है वो निरपेक्ष ऊर्जा में ही उसकी स्थिति है। स्थिति का मतलब होना है, और गति का मतलब अपने आचरण के रूप में प्रकाशित होने से, है ना। प्रत्येक चेष्टा से सापेक्ष ऊर्जा का प्रसव है। मूल चेष्टा के लिए निरपेक्ष ऊर्जा सबको प्राप्त है ही। तो मूल चेष्टा का मतलब है पदार्थ के परमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। जैसे जैसे यदि इसको जीवन में समझते हैं, तो जीवन में जो जीवन कृत वातावरण है उसके प्रभाव से आत्मा मुक्त रहती है, है ना। आत्मा की जो क्रिया है जिसको हम लोग मध्यस्थ क्रिया कहते हैं, वही मूल चेष्टा है जिसके कारण से जीवन संयमित नियमित होता है। किसी भी भूमि पर श्रम गति परिणाम को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हर इकाई में बल संपन्नता के रूप में हम श्रम को पहचान सकते हैं। तो जैसे पदार्थावस्था है उसमें श्रम रहता है जिसके कारण से उसमें क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता के रूप में गति है, इसलिए पदार्थावस्था गतिपूर्वक प्राणावस्था तक विकास क्रम में स्थित होती है। तो इसलिए पदार्थावस्था श्रम पूर्वक, है ना, पदार्थावस्था में जो श्रम है उसके कारण से जो गति है वो प्राणावस्था के रूप में है। प्राणावस्था अपने आप में परिणाम है, इसी तरीके से प्राणावस्था में भी श्रम है। तो प्राणावस्था में जो श्रम है उसकी जो गति है वो जीवावस्था है, जीवावस्था अपने आप में परिणाम है। हर परिणाम में पुनः श्रम होता है, और वो जो पुनः श्रम है जीवावस्था में पुनः श्रम है उसके कारण से ज्ञानावस्था है। दिव्य मानव में या दिव्य चेतना में अपरिणामिता है, यानी जागृति की निरंतरता के रूप में बनी रहती है, इसलिए श्रम से मुक्ति है, है ना। तो प्रकृति की सभी इकाइयों में श्रम गति परिणाम की निरंतरता को देखा जाता है। तो कई बार किसी को मैं से के लिए भी बोलते हैं, है ना। तो श्रम में से का मतलब गति है, और हर गति किसी न किसी परिणाम तक पहुंचती है, इस अर्थ में श्रम गति परिणाम को परिभाषित किया गया है। एक बार फिर से मैं मूल चेष्टा की परिभाषा पढ़ रहा हूं। पदार्थ के परमाणविक स्थिति में वातावरण के दबाव से मुक्त चेष्टा की मूल चेष्टा संज्ञा है। इसको मैंने जीवन के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि जागृत जीवन में जो आत्मा के अंदर जो चेष्टा है वो मूल चेष्टा के रूप में रहती है, और वो जीवन कृत वातावरण से अप्रभावित रहती है। इसीलिए आत्मा के बारे में ये भी कहा कि वह सम और विषम के प्रभाव से मुक्त रहती है। आत्मा ही एक ऐसी क्रिया है जीवन में जो सम और विषम के प्रभाव से मुक्त रहती है। किसी भी भूमि पर पूर्ण सृष्टि तभी संभव है जब वह अपने में आवश्यक संपूर्ण रस उपरस एवं वायु से समृद्ध हो जाए, जैसा इस पृथ्वी पर हुआ। इस प्रकार से इस असीम अवकाश में अनंत भूमि अपनी प्रगति के अनुसार पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित
अल्प विकसित और अविकसित अवस्था में है। यानी यदि हम प्रगति के अनुसार देखें या विकास के अनुसार देखें तो पूर्ण विकसित, अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित अवस्था में है। रस उपरस का प्रमाण रासायनिक क्रिया और वैभव के रूप में है। अविकसित सृष्टि पदार्थावस्था की सृष्टि है। समस्त मृद, पाषाण, मणि एवं धातु की गणना अविकसित सृष्टि में है। अल्प विकसित सृष्टि प्राणावस्था की सृष्टि है। समस्त वनस्पति प्राणावस्था की सृष्टि में सम्मिलित हैं। अर्धविकसित सृष्टि जो जीवावस्था की सृष्टि है। मानवेतर, अंडज और पिंडज सृष्टि की गणना जीवावस्था में है। ज्ञानावस्था में शरीर रचना पूर्ण विकसित सृष्टि है। यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि अल्प विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि और अर्ध विकसित सृष्टि में अल्प विकसित और अविकसित सृष्टि तथा पूर्ण विकसित सृष्टि में अर्ध विकसित, अल्प विकसित और अविकसित सृष्टि समाहित है ही, क्योंकि गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। फलत है उच्च कोटि की सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि के गुण, स्वभाव और धर्म विलय रहते हैं। जैसे प्राणावस्था में पदार्थावस्था के गुण, स्वभाव, धर्म विलय रहते हैं, इसीलिए प्राणावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व सहित पुष्टि है। ऐसे ही जीवावस्था में प्राणावस्था के गुण और धर्म पदार्थावस्था के गुण और धर्म समाहित रहते हैं या विलय रहते हैं, है ना। इसीलिए जो जीवावस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा है। इसी तरीके से गुण है। गुण का परिभाषा है सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है। गुण को सम विषम और मध्यस्थ के रूप में पहचाना जाता है। यही प्रभाव भी है, तो गुण को प्रभाव के रूप में भी पहचानते हैं। एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी गुण संज्ञा है। स्वभाव जिस कारण से किसी भी अवस्था का की मौलिकता की पहचान होती है, दया कृपा करुणा में ही होती है। वीरता, उदारता, दया कृपा करुणा स्वभाव है। इसी को गुणों की उपयोगिता के रूप में, स्वभाव के रूप में भी पहचाना जा सकता है। धर्म का अर्थ है धारणा ही धर्म है। सृष्टि का उपरोक्त वर्गीकरण कोष गठन भेद से है। कोष का मतलब है आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया संपदा ही कोष है। आशय तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष की संज्ञा है। कोष का तात्पर्य संपन्नता से है। जैसे प्रेरणा संपन्नता जो है वो जड़ प्रकृति में ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता के रूप में पहचानने में आती है। यही चैतन्य इकाई में ज्ञान संपन्नता के रूप में रहती है। प्रेरणा संपन्नता ही प्राणमय कोष है। इसी प्रेरणा संपन्नता के आधार पर अंशों की परस्पर पहचान निश्चित दूरी में नियंत्रित रहकर परमाणु के रूप में प्रमाणित होता है। परमाणु में यह प्रवृत्ति ही प्राणमय कोष है। अनंत रचनाएं पंच कोषों के गठन के भेद के अंतर परिलक्षित हैं। इन पांच कोषों में क्रमशः प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष हैं। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, मन, यहां पर इसको परिभाषा को समझते समय कोष का परिभाषा स्मरण में रहना चाहिए। कोष का तात्पर्य संपन्नता से है और कोष आशय
तथा प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया विशेष को कोष कह रहे हैं। कोष का मतलब कोई कवच नहीं है, कोष का मतलब है आशय और प्रयोजन सहित निश्चित क्रिया से है। इस रूप में कोष की बात की गई है और ये कोष जो है संपन्नता के रूप में पहचानने में आता है। अन्नमय कोष जो है ग्रहण और विसर्जन करने वाले अंग की अन्नमय की क्रिया है। इस तरीके से हम लोग अन्नमय कोष को पहचान सकते हैं। प्राणावस्था में प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग प्राणमय कोष यानी प्रेरणा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाले अंग की प्राणमय कोष संज्ञा है। ऊपर भी जिसको स्पष्ट किया है, प्रेरणा संपन्नता का अर्थ है ऊर्जा समय कोष की संज्ञा है। आनंदमय कोष सुख व दुख को व्यक्त करने वाले अंग की आनंदमय कोष संज्ञा है। विज्ञानमय कोष विशेष ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंग की विज्ञानमय कोष संज्ञा है। तो मानव में जो विज्ञानमय कोष है वही ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में रहता है। कोष प्रकाशन भेद से सृष्टि में अवस्था भेद पाया जाता है। ये जो कोष प्रकाशन का जो भेद है उसी के को मिलता है, यानी ग्रहण विसर्जन है को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। इस आधार पर पदार्थावस्था की सृष्टि में अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का प्रकाशन है। इन दोनों कोषों की क्रियाएं समस्त पदार्थावस्था के मूल रूप परमाणु में पाई जाती हैं। प्रत्येक परमाणु सचेष्ट है इसलिए उसमें प्रेरणा पाने वाला अंग सिद्ध है। इसके साथ ही परमाणु ह्रास एवं विकास से मुक्त नहीं है जो कि ग्रहण विसर्जन का ही प्रतिफल है। अन्य पदार्थ में अन्नमय कोष भी सिद्ध हुआ है। अन्नमय कोष की क्रिया भी चेष्टा का ही फल है अर्थात प्राणमय कोष के चेष्टित होने का फल ही है। अन्नमय कोष की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अन्नमय कोष प्राणमय कोष का अविभाज्य संबंध है। अन्नमय कोष की क्रिया भी चेष्टा का ही फल है अर्थात प्राणमय कोष के चेष्ट होने का फल ही है कि अन्नमय कोष की क्रिया भी संपादित होती है। अतः यह सिद्ध हुआ अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का अविभाज्य संबंध है। प्राणावस्था की सृष्टि में तीन कोषों का प्रकाशन है जो अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष के रूप में है। वनस्पति में पदार्थावस्था की सृष्टि की अपेक्षा चयनवादी क्रिया विशेष है जो मनोमय कोष की क्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही भूमि पर स्थित विभिन्न वनस्पतियां अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अपने आवश्यकीय तत्वों एवं रसों को ग्रहण करते हुए पुष्टि होते देखा जाता है जिसको मनोमय कोष की क्रिया कहा जा रहा है। जीवावस्था वह भ्रमित ज्ञानावस्था में चार कोषों की क्रिया है। यह है अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष और आनंदमय कोष। इनमें से तीन कोष तो जीवावस्था के शरीर में रहते हैं और ये चारों कोष जो हैं वो जीवावस्था जीवात्मा जीवावस्था शरीर को चलाने वाला जो जीवन है उसमें ये चारों कोष पहचानने में आते हैं जिनको हम अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष और आनंदमय कोष के रूप में पहचान सकते हैं। आनंदमय कोष का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख व दुख का प्रकाशन है। इसके कारण ही जीवावस्था की इकाइयों में आहार निद्रा भय मैथुन का सेवन करने का अधिकार है। जागृत मानव में पांचों कोषों का प्रकाशन है। इन पांचों कोषों की क्रियाशीलता व अभिव्यक्ति मानव में है। अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष हैं। विज्ञानमय कोष का जागृत होना ज्ञान विवेक और विज्ञान के रूप में विशेष ज्ञान का कारण है। विवेक और विज्ञान के द्वारा ही
दुख के कारण और निवारण की समझ। विज्ञानमय कोष का जागृत होना ज्ञान विज्ञान और विवेक के रूप में विशेष ज्ञान का कारण। विवेक और विज्ञान द्वारा ही के कारण और निवारण की समझ मानव में विकसित होती है, जिससे ही सुख शांति संतोष आनंद की अनुभूति है। चारों अवस्थाओं की सृष्टि अपनी विशेषता एवं विशिष्टताएं रूप गुण स्वभाव धर्म से संबंधित हैं। रूप का परिभाषा है, चारों अवस्थाओं की सृष्टि में रूप का निर्धारण आकार आयतन और घनता के भेद से है। गुण चारों अवस्थाओं में गुण सम विषम मध्यस्थ के भेद से है। सापेक्ष शक्तियों की गुण संज्ञा है तथा एक से अधिक एकत्र होने पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी गुण संज्ञा है। श्रम सम की परिभाषा है, सृजन क्रिया में सहायक गुण को सम संज्ञा है, विसर्जन क्रिया में सहायक गुण को विषम संज्ञा है। विभव विभव यानी बने रहने, विभव क्रिया में सहायक गुण को मध्यस्थ संज्ञा है। यह तीनों सृजन विसर्जन और विभव की क्रिया ऊर्जामय है। स्वभाव पदार्थ में संगठन विघटन तथा विघटन संगठन क्रियाएं व उसकी निरंतरता के रूप में पदार्थावस्था में स्वभाव है। अवस्था में सारक मारक सारक क्रिया की निरंतरता के रूप में स्वभाव है। जीवावस्था देहकृपक होना स्वभाव है। धर्म पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म है, प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म है, जीवावस्था में अस्तित्व सुखी सृष्टि में निम्न कोटि की सृष्टि समाहित रहती है। यानी संगठन व विघटन, संगठन विघटन की क्रिया, संगठन विघटन और विघटन संगठन पदार्थावस्था की सभी क्रियाएं सहित सप्राण निष्प्राण आरोह अथवा अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारक मारक स्वभाव सहित क्रिया में अभिव्यक्त है। प्राणावस्था की समस्त प्राण निष्प्राण आरोह अवरोह क्रिया में अवस्थित होकर अथवा सारी सृष्टि निम्न कोटि की सृष्टि में समाहित रहती है। उसका एक उदाहरण मतलब है प्राण शोषक बनना में पदार्थावस्था तथा प्राणावस्था की क्रियाएं समाहित हैं। यही उद्भव विभव प्रलय के रूप में स्पष्ट है। जीवावस्था में जीवन आहार निद्रा भय मैथुन युक्त विषयों में आसक्त हो क्रूर है। ज्ञानावस्था की सृष्टि को क्रूर है। ज्ञानावस्था की सृष्टि को ऊपर पड़ा वित्रेषण और प्रयोग का वह अब मानवीय जो दृष्टि है जिनको हम लोग न्याय धर्म सत्य बोल रहे हैं, अमानवीय दृष्टि का मतलब यही हित लाभ है। ज्ञानावस्था की इकाइयों को ऊपर वर्णित तीनों अवस्थाओं की क्रिया स्वभाव विषय और दृष्टि सहित वित्तेषणा पुत्तेषणा लोकेषणा से युक्त व्यवहार करते हुए धीरता वीर और प्रयोग की पूर्णता व अपूर्णता के आधार पर ही मानवीय और अमानवीय दृष्टि है। धीरता की धीरता संज्ञा है। वीरता दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति वीरता है। उदारता अपनी सुख सुविधा को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति उदारता है। ज्ञान विवेक विज्ञान के अध्ययन एवं प्रयोग क्रम में ही मानव भ्रांत भ्रांताभ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। ज्ञान विवेक और विज्ञान के अध्ययन ज्ञान पूर्वक जीता है उस स्थिति में ही मानव भ्रांत भ्रांताभ्रांत और निर्भ्रांत स्थिति में स्पष्ट होता है। सृष्टि में क्रिया अनंत है एवं व्यापक सत्ता में संपूर्ण सृष्टि संप्रक्त है अर्थात प्रेरित है।
प्रेरित होने के फलस्वरूप ही समस्त पदार्थ श्रम में रत है। श्रम ह्रास एवं विकास सिद्ध नहीं होता है। तो क्रिया पदार्थावस्था प्लस और श्रम, पदार्थावस्था प्लस श्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था प्लस श्रम बराबर जीवावस्था, जीवा श्रम बराबर विश्राम अर्थात सह अस्तित्व में अनुभूति। श्रम उन्नत या विकास कर्म जो कि भौतिक रासायनिक वस्तुओं के रूप में है। विकास चैतन्य पद अथवा जीवन पद के रूप में अध्ययन सुलभ है। ऐसे जीवन जागृति क्रम जागृति के रूप में अध्ययन बोध व अनुभव गम्य है। यही विश्राम की तृषा है क्योंकि ज्ञानावस्था में समस्त श्रम विश्राम सहज गंतव्य यथा स्थिति और उसकी निरंतरता के लिए है। उन्हें वो मेरे साथ उस पठन में भागीदारी की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि श्रम गति परिणाम को हम और स्पष्ट करने की बात की गई है, तो यदि ज्ञानावस्था में यदि हम ऐसा देखते हैं कि ज्ञानावस्था का मानव जब जीव चेतना में रहता है तब उसके जीने में श्रम है और इसी श्रम के कारण से उसमें क्षोभ होता है, जैसा राकेश भाई ने लिखा है कि क्षोभ यानी फ्रस्ट्रेशन होता है। क्षोभ एक प्रकार की मानसिक या बौद्धिक थकान है और एक प्रकार से दुख की अभिव्यक्ति है। क्षोभ के कारण से ही विश्राम की तृषा है, ऐसा जो है लिखा गया है। तो हर इकाई में जो चैतन्य इकाई है उसमें आशा के रूप में श्रम जो है वो दिखता है, तो जीवावस्था की इकाइयों में भी जीने की आशा के रूप में श्रम जो है वो दिखाई देता है। श्रम के आधार पे जो गति है यदि उसको मानव में पहचानते हैं तो वो गति जीव चेतना से मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना है। यदि मानव चेतना में संक्रमण नहीं होता है तो कोई गति नहीं है, फिर वहीं तक है, जीव चेतना तक ही है। तो इसी तरीके से जो पहले भी बताया था कि पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था और ज्ञानावस्था में क्रमशः श्रम बना रहता है, और इसीलिए इस अध्याय के अंत में पृष्ठ 15 पे लिखा है पदार्थावस्था प्लस श्रम बराबर प्राणावस्था। तो ये जो श्रम की निरंतरता है वो क्रमशः बनी रहती है, भ्रमित ज्ञानावस्था तक बनी रहती है, और जैसे ही भ्रमित ज्ञानावस्था से ज्ञानावस्था में मानव चेतना में संक्रमण होता है श्रम का विश्राम हो जाता है, फिर जीने में कोई श्रम नहीं है। जीने में श्रम नहीं है तो मानव से देव मानव और फिर दिव्य मानव के रूप में संक्रमण होता है और दिव्य मानव के बाद परिणाम आचरण की निरंतरता के रूप में निरंतर बना रहता है, जिसको हम लोग आचरण पूर्णता भी कह रहे हैं। और इसी प्रकार से प्राणावस्था में श्रम बना रहता है, उसके कारण से अग्रिम गति के रूप में जो है वो जीवावस्था है, जीवावस्था में श्रम है उससे अग्रिम गति के रूप में ज्ञानावस्था है। तो इस तरीके से श्रम गति परिणाम सिद्धांत है सभी इकाइयों में बना रहता है, सभी रचनाओं में बना रहता है। इसीलिए मध्यस्थ दर्शन में जो अध्ययन बिंदु हम लोगों ने पढ़े थे परसों, मध्यस्थ दर्शन के मूल तत्व, तो इन मूल तत्वों में सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। तो सिद्धांत के रूप में यही लिखा है कि श्रम गति परिणाम ही सिद्धांत है, यानी श्रम गति परिणाम की निरंतरता हर इकाई में हर अवस्था में हर पद में देखने को मिलती है, है ना? इस रूप में श्रम गति परिणाम को समझा जा सकता है। दूसरा प्रश्न था अंतर्निहित अग्नि के संबंध में, जो यूरेनियम में किस प्रकार इसको समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि राकेश भाई ने जो जवाब दिया है, उत्तर दिया है, वो काफी सटीक है। तीसरा प्रश्न है कि किरण कोई क्रिया है क्या, तो वो भी राकेश भाई ने उत्तर दिया है कि किरण कोई क्रिया नहीं है, लेकिन
किरण जो है वो क्रिया को प्रभावित करती है, क्रिया के ऊपर उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे पृथ्वी की क्रिया है या सूर्य की क्रिया है या पेड़ पौधों की क्रिया है या परमाणु की क्रिया है या मणियों का क्रिया है, उसमें किरण को ग्रहण करने की यानी जो अग्नि है ताप है उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति के रूप में उसका पहचान होता है। फिर एक प्रश्न है कि परमाणु में प्राणमय कोष में प्रेरणा अस्वीकार करना किस प्रकार होता है, तो इसका उत्तर तो यही है कि किसी में भी प्रेरणा को अस्वीकार करना होता ही नहीं है, है ना। परमाणु में भी प्राणमय कोष नित्य प्रभावी बना रहता है, इसलिए परमाणु के अंश और परमाणु में प्रेरणा की निरंतरता बनी रहती है जो प्राणमय कोष के रूप में ही है। फिर एक प्रश्न था जीवावस्था में सुख दुख का प्रकाशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कोषों की व्याख्या करते हुए आनंदमय कोष का जो स्पष्टीकरण पेज नंबर 13 में दिया है उसमें लिखा है कि आनंदमय कोष का विकास ही चैतन्यता का कारण है तथा इसी चैतन्यता के कारण जीवावस्था में सुख और दुख का प्रकाशन है। तो जिसको हम लोग मानव ज्ञानावस्था में सुख कह रहे हैं वो तो समाधान बराबर सुख है, लेकिन उससे पूर्व जो सुख का प्रकाशन जीवावस्था में है जिसको अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में भी देखा गया है, तो यदि आहार निद्रा भय मैथुन से प्रतिकूलता रहती है तो उनमें दुख का प्रकाशन रहता है, यदि आहार निद्रा भय मैथुन की प्रतिकूलता बनी रहती अनुकूलता बनी रहती है तो वो एक प्रकार से जीवावस्था में सुख का प्रकाशन है, यहाँ इसको इस रूप में स्पष्ट किया गया है। लेकिन ज्ञानावस्था में जिसको हम सुख कह रहे हैं वो समाधान बराबर सुख है, और समाधान का मतलब है व्यवस्था में जीना, क्योंकि यदि हम व्यवस्था में नहीं जी पाते हैं तो समाधान कोई वैचारिक क्रिया नहीं है, हम सोचें कि विचार में हमने समझ लिया है तो हम समाधानित हो गए, ऐसा नहीं है। यदि वो समाधान व्यवहार में और व्यवसाय में या विवेक और विज्ञान में जीने में प्रमाणित नहीं होता है तो उसको समाधान के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। तो इसलिए एक और बात जो है सुख के संबंध में आई है जो अनुभव दर्शन में है, उसमें लिखा है जो अजागृत मानव है उसमें भी सुख भासता है या ब्रह्म भासता है, इस तरीके से एक बात आई है। तो सुख जो है वो भास आभास प्रतीति अनुभूति के रूप में रहता है, तो जो भास आभास अनुभूति प्रतीति के रूप में भास आभास प्रतीति और अनुभूति के रूप में सुख की बात की गई है। तो इसलिए जब भी हम सुख को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको ये भी स्मरण में रखना चाहिए कि सुख का भास तो अजागृत या जीव चेतना में भी बना ही रहता है। तो इसलिए व्यवस्था में जी के ही सुख प्रमाणित होता है, सुख का प्रमाण आता है। इसके अलावा एक प्रश्न जो है ये भी राकेश भाई ने बताया कि निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण जो है उसके संबंध में किसी ने पूछा था निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण क्या होता है, तो यदि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो मानव में अवलोकन का क्रिया है, अवलोकन का क्रिया का मतलब होता है समझने की क्रिया है। समझना क्या है तो हर अवस्था से इकाइयों का जो रूप गुण स्वभाव धर्म है उसको समझना है, तो समझने के लिए अवलोकन क्रिया है। अवलोकन कैसे होता है तो अवलोकन होता है ज्ञान विवेक विज्ञान सहित या आलोक, जिस ज्ञान विवेक विज्ञान को सम्मिलित रूप में आलोक कहते हैं, आलोक सहित बोध पूर्वक की गई दर्शन क्रिया, इसको अवलोकन कह रहे हैं। तो अवलोकन दो प्रकार से होता है, एक होता है जांचना और दूसरा होता है परखना। तो जांचने का मतलब होता है निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं जांचना, और परखने का मतलब होता है निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण सहित पहचान प्रस्तुति,
है ना। तो यहां पर पहचान प्रस्तुति हो गया है, वहां केवल निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण है। निरीक्षण का अर्थ क्या है? तो निरीक्षण का अर्थ है निश्चय पूर्ण स्पष्ट स्थिति गति दर्शन, इस रूप में निरीक्षण होता है। तो निरीक्षण मूल रूप से सह अस्तित्व में स्थिति गति दर्शन के रूप में होता है, जिसमें निश्चय पूर्ण क्या है? तो निश्चय पूर्णता का मतलब है सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से ही स्थिति गति दर्शन हो सकता है। यदि आदर्शवादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण से हम करेंगे तो स्थिति गति का दर्शन नहीं हो सकता है। स्थिति का कोई अनुमान होगा और गति जो है वो आंशिकता में समझ में आएगी, अपूर्णता में समझ में आएगी, है ना। यदि हम भौतिकवादी दृष्टिकोण से केवल क्रिया को समझते हैं या क्रिया का निरीक्षण करते हैं तो क्रिया पूर्णता में स्पष्ट नहीं होती है। आदर्शवाद में क्रिया की उपेक्षा है तो क्रिया शून्यता की ओर या शून्य में जाना या शून्य में विलय हो जाना, इस तरीके की कल्पनाएं की गई हैं, जो एक प्रकार से स्थिति की कल्पना के रूप में है। उसमें बहुत स्पष्टता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो दर्शन क्रिया है यानी जो समझने की क्रिया है वो तो क्रिया के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि समझने वाला भी स्वयं में एक क्रिया है। इसीलिए मानव को ही समझने वाला या मूल रूप से जीवन को समझने वाली इकाई के रूप में पहचाना गया है। जीवन में भी समझने की क्रिया मूल रूप से ज्ञान अवस्था के मानव में ही हो सकती है। फिर परीक्षण क्या है? तो परीक्षण का मतलब है क्यों, कैसे और कितना का आकलन विधि, यानी जो वस्तु है, जो भी वस्तु है, जो भी क्रिया है, क्यों है, कैसे है और कितना है, इसका जो आकलन हम करते हैं इसको हम परीक्षण कह रहे हैं। परीक्षण एक प्रकार का स्पष्टीकरण व चित्रण है, और दूसरे तरीके से देखें तो परीक्षण पूर्वक ही ज्ञानार्जन होता है। ज्ञानार्जन का मतलब है कि हमको दर्शन के रूप में वस्तुएं स्पष्ट होती हैं, है ना। दर्शन में हम क्या दर्शन करते हैं? तो वस्तुगत सत्य का दर्शन करते हैं, जो रूप गुण स्वभाव धर्म है। वस्तु स्थिति का दर्शन करते हैं, जो देश काल दिशा है। और इसके बाद जो स्थिति सत्य है उसकी अनुभूति होती है ना। तो इस रूप में ज्ञानार्जन का क्रिया जो है जीवन में होता है, जो परीक्षण पूर्वक होता है। परीक्षण से दर्शन और अनुभूति के रूप में उपलब्धि होती है। तीसरा जो शब्द आया है जो सर्वेक्षण है, तो सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्व में आधिकारिक रूप से निरीक्षण परीक्षण करना। तो निरीक्षण परीक्षण पूर्वक हम जो है सर्व का अनुमान लगाते हैं, है ना। जैसे हम मानव में देखते हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है, तो ये हर मानव में सुखी होने को पहचानने के लिए सर्वेक्षण एक विधि है। उसी तरीके से हर व्यक्ति न्याय में जीना चाहता है ना, हर व्यक्ति जो है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहता है, इसको हम सर्वेक्षण विधि से पहचानते हैं। सार्वभौमता में या सर्व में आधिकारिक निरीक्षण परीक्षण के रूप में सर्वेक्षण का क्रिया होता है, और सर्वेक्षण पूर्वक प्रयोग और अनुभूति होती है। तो हम जो जब हम परीक्षण करते हैं उसमें निरीक्षण शामिल रहता है, और जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें निरीक्षण परीक्षण दोनों शामिल रहता है। तो कोई भी सर्वेक्षण परीक्षण के बिना नहीं है, कोई भी परीक्षण निरीक्षण के बिना नहीं होता है। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक मानव में विश्लेषण विवेचना और परिलक्षित होना होता है। तो विश्लेषण का मतलब है अनेक प्रकार से अनेक कोणों से परीक्षण किया गया सत्यापन, और विवेचना का मतलब है अनेक दिशा अनेक कोण से परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना। विश्लेषण और विवेचना पूर्वक ही मानव में परिलक्षित होना यानी लक्ष्य का पहचान होना, दिशा का पहचान होना, है ना, ये स्पष्ट होता है। परिलक्षित होने का परिभाषा जो है ऐसा समझाया गया है, परीक्षण पूर्वक पहचाना हुआ, निरीक्षण पूर्वक निर्धारित और स्वीकृत, प्रमाणित करने की दृष्टि विकसित करना, है ना। इसके अलावा भी जब हम इसको और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं तो विश्लेषण विवेचना और परिलक्षित होकर ही मानव में शोध निदान
समाधान और प्रमाण तक जानना मानना पहचानना निर्वाह करने की निरंतरता के रूप में अनुभव होता है। यानी जो शोध की क्रिया है, शोध की क्रिया विश्लेषण विवेचना और परिलक्षित होने के साथ ही होती है। शोध पूर्वक ही निदान जो है स्पष्ट होता है, शोध और निदान पूर्वक ही समाधान और प्रमाण की स्पष्टता होती है। तो विश्लेषण विवेचना परिलक्षित होना शोध निदान समाधान और प्रमाण के रूप में मूल रूप से जो क्रिया है वो अवलोकन ही है। अवलोकन पूरा होने से मानव पारंगत हो जाता है। पारंगत होने का मतलब है जागृत मानव का प्रमाण प्रस्तुत करना, इसको पारंगत या पारंगतता कहते हैं। परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाण सहित सच्चाइयों को बोध कराना ये भी पारंगत होने या पारंगतता का प्रमाण है ना। तो ये तो हुई जितने भी प्रश्न आए थे उसके संदर्भ में कुछ बात हुई। मैं सृष्टि दर्शन के बारे में कुछ और भी बातों को कहना चाहता हूं। जैसा कि इसके पहले ही सूत्र में लिखा है, मानव ने सृष्टि दर्शन की कामना और प्रयास किया। यदि हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता लगता है मानव ने विगत में, जिसको हम लोग भारत में आदर्शवादी चिंतन कहते हैं, आदर्शवादी चिंतन में अधिदैवीवाद, अधिभौतिकवाद और आध्यात्मवाद इस तरीके से है। अधिभौतिकवाद में जिसमें न्याय वैशेषिक सांख्य ये तीन दर्शन है, अधिदैवीवाद जो है उसमें जैमिनी का जो मीमांसा दर्शन है उसको अधिदैवीवाद कहते हैं, जिसमें देवी देवताओं से जगत की उत्पत्ति की बात की गई है। सांख्य दर्शन वैशेषिक और इन सब में ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति की बात की गई है। और इसके बाद है जिसको हम लोग आध्यात्मवाद कहते हैं, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म से जगत की या ज्ञान से जगत की उत्पत्ति, इसलिए ज्ञान के रूप में ब्रह्म की मीमांसाएं की गई। तो ये पूरा जो सृष्टि दर्शन है जो अध्याय तीन में बाबा जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें परंपरा से यानी आदर्शवादी चिंतन से मूलभूत रूप से एक भिन्न बात को कहा है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म रूपी व्यापक वस्तु की जो बात की गई है परंपरा में, उससे किसी भी चीज की उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती और उसकी स्वयं की भी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए प्रकृति को ब्रह्म से उत्पत्ति के रूप में जो है प्रतिपादित किया गया परंपरा में, लेकिन मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। प्रकृति को शाश्वत बोला है। शाश्वत इसलिए बोला है क्योंकि प्रकृति में उद्भव विभव प्रलय के रूप में उसकी वर्तमानता बनी रहती है, इसलिए अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में नित्य और शाश्वतता का सह अस्तित्व है, नित्य वर्तमानता के रूप में बना रहता है। इसकी कोई उत्पत्ति का काल सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए आदर्शवादी दृष्टिकोण और सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर देखने को मिलता है। वो बुनियादी अंतर यही है कि जो ब्रह्म की उपस्थिति है या ब्रह्म की जो व्याप्तता है या जो क्रिया शून्यता के रूप में जिसको हमने स्पष्ट की, जो मध्य दर्शन ने पहचाना है, जिसको हम साम ऊर्जा या निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं, उसका पहचान क्रिया में ही होता है। और क्रिया में जो उसका पहचान होता है, उस पहचान के साथ ही यदि मानव जीता है तो मानव के जीने में ज्ञान विवेक और विज्ञान का क्रमशः प्रकटन होता है। यदि जिसको हम सत्ता मयता कह रहे हैं, तो सत्ता मयता का मतलब है कि जो इकाइयों की सीमा तक सत्ता का पहचान है, वो पहचान कैसे होती है? तो जो प्रकृति है वो व्यापक वस्तु है ना, जैसे ऊर्जा संपन्नता जिस रूप में हम पहचानते हैं, तो ऊर्जा संपन्नता का कारण व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु साम ऊर्जा है, उस साम ऊर्जा में सभी इकाइयां उसमें डूबी भीगी घिरी हुई हैं, इसलिए जड़ प्रकृति में उसको हम ऊर्जा संपन्नता के रूप में पहचानते हैं। इसी को चैतन्य प्रकृति में ज्ञान संपन्नता के रूप में पहचानते हैं। इससे व्यापक वस्तु की पारगामिता जो है वो सिद्ध होती है और व्यापक वस्तु ही निरपेक्ष ऊर्जा से ही सापेक्ष ऊर्जा जो है
सापेक्ष ऊर्जा का जो कारण है वो निरपेक्ष ऊर्जा जो है सिद्ध होता है। इसमें ये कहा गया कि विज्ञान के लिए तो अभी तक ये सब चीजें अज्ञात ही हैं। विज्ञान यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण से ऊर्जा का जो स्रोत है उसको पहचाना नहीं गया है, क्योंकि वो व्यापक वस्तु के रूप में किसी वस्तु की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में केवल क्रिया का अध्ययन किया गया है, और क्रिया व्यापक वस्तु में क्रिया का अध्ययन नहीं करने से ना हो पाने के कारण से क्रिया की पूर्णता का अनुमान नहीं लगता है, और जब क्रिया की पूर्णता का अनुमान नहीं लगता है तो उससे उसकी लक्ष्य और दिशा का भी निर्धारण नहीं होता है। जैसे भौतिक क्रिया पूर्ण में गर्भित होने के कारण उसमें पूर्णता की ओर गतिशीलता है, उसी के कारण से परमाणु जो है विकास पूर्वक चैतन्य परमाणु के रूप में गठन पूर्णता को प्राप्त करता है। इसी तरीके से यदि भौतिक रासायनिक संसार जो है वो भी पूर्णता में है, व्यापक वस्तु में डूबा भीगा घिरा हुआ है, इसलिए उसमें पूर्णता की ओर गति है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रकृति स्थितिशील है। स्थितिशील का मतलब है उसमें विकास की ओर प्रवृत्ति है, लाक्षणिकता है, और उसी लाक्षणिकता को हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था के रूप में भौतिक रासायनिक संसार के उसमें देखते हैं। इसमें भी जीवावस्था और ज्ञानावस्था में जो गठनपूर्ण परमाणु है उसकी उपस्थिति रहती है। यदि हम जीवावस्था और ज्ञानावस्था के शरीर तक यदि हम देखते हैं तो दोनों शरीर प्राणावस्था की ही इकाइयां हैं। तो जब शरीरों में जीवन, जिसको इसी अध्याय में कहा गया कि जो अंडा जो पिंडस संसार है जहां से जीवावस्था है, जहां से शरीरों में आशा के रूप में जीवन के होने को पहचाना जाता है ना, जिसको हम जीने की आशा भी कह रहे हैं, तो जीवावस्था भी पूर्णता में होने के कारण से उसमें पूर्णता की प्रवृत्ति है। यानी जो चैतन्य निकाय है, चैतन्य निकाय भी पूर्ण होना चाहती, इसी पूर्णता को जागृति क्रम और जागृति के रूप में पहचाना गया है। तो जीवावस्था में जागृति जो है वो आंशिक रूप में रहती है, और यही जागृति आठन पूर्णता में पूर्ण हो जाती है ना। तो उससे पहले तक मानव में जागृति होती है, और जागृति जो है क्रमशः पूर्णता को प्राप्त करती है, जिसको हम लोग जागृति पूर्णता कह रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर जब क्रियाओं का विश्लेषण पढ़ते हैं या हम इन क्रियाओं का अवलोकन करते हैं, वो सह अस्तित्व में ही अवलोकन की क्रिया हो सकती है। सह अस्तित्व को छोड़ के हम क्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण से जब हम यहां के क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो अस्पष्टता आ जाती है। इसलिए भौतिकवादी नजरिए को त्याग कर ही हम सृष्टि दर्शन यानी सह अस्तित्व में स्थिति गति दर्शन जो है वो हम कर सकते हैं, और यह स्थिति गति दर्शन जो है संपूर्ण पदार्थ जो चार पद और चार अवस्थाओं में है उनके अंदर होने वाले क्रियाकलाप को हम स्थिति गति की निरंतरता में समझ सकते हैं। उसी को यहां व्याख्यायित तो विश्लेषित किया गया है और विवेचित किया गया है। एक किसी ये भी प्रश्न आया था कि भाई सहवास को हम कैसे समझेंगे, तो सहवास का मतलब है साथ साथ होने से या साथ साथ रहने से है ना। तो जैसे मानव में सहवास क्या है, तो मानव परिवार समाज में रहता है, समाज जो है दस उपानी व्यवस्था में विश्व समाज तक सूत्रित होता है। तो ये जो मानव का साथ साथ रहना है यही सहवास है, और इस सहवास में प्रेरणा क्या है, इस साथ साथ रहने में आदमी क्यों साथ साथ रहना चाहता है, ये प्रश्न आएगा, क्योंकि उसमें प्रेरणा है। किस बात की प्रेरणा है, तो मानव में न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रेरणा बनी रहती है। न्याय की प्रेरणा बस ही मानव न्याय में सुख का अनुभव करता है, धर्म की प्रेरणा बस ही मानव सुख शांति समाधान का, सुख शांति और संतोष का अनुभव करता है ना। इसी तरीके से जो सत्य की प्रेरणा है, सत्य की प्रेरणा बस ही मानव में सुख शांति संतोष आनंद, जीवन में सुख शांति संतोष आनंद की अनुभूति होती है, जो मानव में समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में प्रकट होती है।
तो इसको हम लोग सह अस्तित्व में ही समझ सकते हैं, है ना। तो ज्ञानावस्था में जिस प्रकार से सह अस्तित्व है, उस सह अस्तित्व में मानव परिवार विश्व परिवार तक अखंड समाज के रूप में सूत्रित होता है। इस रूप में सहवास की क्रिया को समझा जा सकता है। और दूसरा, यदि हम इसको प्राणावस्था में इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें लिखा है कि जो प्राणावस्था में जो अनुसंगीयता है, यानी अपने को मल्टीप्लाई करने की जो प्रवृत्ति है, वो भी सहवास बस ही होती है। इसीलिए पेज 9 में लिखा है कि सहवास ही सृष्टि का मूल कारण है, है ना। तो सृष्टि का मतलब पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था। तो उस तरीके से प्राणावस्था की समस्त रचनाएं और जीवावस्था के समस्त शरीर, मानव के भी शरीर सहवास पूर्वक ही, है ना, उनकी रचना होती है। तो इस अर्थ में सहवास को यहां पर स्पष्ट किया गया है। मुझे लगता है और कोई प्रश्न होंगे तो इस पे फिर कभी बात करेंगे, या जो प्रश्न यदि आप जीवनी क्रम में भी कोई पूर्णता है? नहीं, पूर्णता तो जीवन में है। जीवन में जो पूर्णता है वो जागृति के रूप में है, और परमाणु में जो पूर्णता है वो गठन पूर्णता के रूप में है, मानव में जो पूर्णता है वो क्रिया पूर्णता के रूप में। तो जब हम क्रिया पूर्णता की बात करते हैं वो मानव के लिए है, तो जीवनी क्रम है, मतलब जो जीवन जो है क्रम से अभिव्यक्त होता है, उसके अर्थ में जीवनी क्रम की बात की गई। पदार्थ का अर्थ जैसा इस परिभाषा में लिखा हुआ है, पद भेद से अर्थ भेद को स्पष्ट करने वाली वस्तु की पदार्थ संज्ञा है। और पदभेद का मतलब भी बता दिया है कि मानव में चार, ये सृष्टि में चार पद हैं, जिसको हम लोग प्राण पद, भ्राण पद, देव पद और दिव्य पद कहते हैं। तो पदभेद से अर्थभेद, तो जैसे ही जो प्राण पद से भ्राण पद में आते हैं, तो अर्थ, अर्थ का मतलब जो उसका आचरण है, जो उसका प्रयोजन है, है ना, जो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है, वो बदल जाता है। इस अर्थ में पदार्थ रूपी वस्तु को पहचाना गया है। पदार्थ भी एक प्रकार की वस्तु है। वस्तुएं दो प्रकार की हैं, एक व्यापक वस्तु है और एक जो है पदार्थ के रूप में भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो भौतिक रासायनिक वस्तुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें चार पदों के रूप में और चार अवस्थाओं के रूप में अध्ययन होता है। चार पद और चार अवस्थाओं के रूप में जो जिसके कारण से पदभेद होता है, तो जो पदार्थ है जब वो व्यापक वस्तु से प्रेरणा को ग्रहण किए रहता है, उसके कारण से पदभेद से अर्थभेद जो है वो विकास पर्यंत, जागृति पर्यंत, है ना, वो बना रहता है इस रूप में। तो इसीलिए जो वस्तु का अर्थ है वास्तविकताओं, वस्तु का अर्थ वास्तविकता ही है। तो वस्तु का अर्थ वास्तविकता तब होता है जब हम व्यापक वस्तु में क्रियाशील वस्तुओं को देखते हैं, तो उसमें जो वास्तविकताओं का प्रकाशन होता है उसको वास्तविकता कह रहे हैं, क्योंकि वस्तु का जो अर्थ है वो वास्तविकता के रूप में होता है, और वास्तविकता रूप पद बल, वास्तविकता जो है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में रहती है। इस अर्थ में हम लोग वास्तविकता को पहचानते हैं। हाँ, जड़ में दो पद हैं और चैतन्य में दो पद हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। कोई और प्रश्न हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैटिंग में दिखता है मुझे प्रश्न, यदि कोई आता है तो।